हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो पैसे आपकी बार IQ Z3 5G फोन जिसमें गेम बिना रुके लगातार खेलते रहिए। तो आज हम IQ Z3 5G फोन के बारे में जानने वाले कि उसमें क्या खास बात है, गेमिंग के लिए एकदम सबसे बढ़िया बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोबाइल बनाता है। पर उससे पहले थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा टेक्निकल। नाम है जादू टेक्निकल। तो चलिए सबसे पहले हम उसके गोरे काले चिंटे यानी कि कलर्स, रंग भेदभाव के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कलर्स में आता है काला, ब्लैक, दूसरा है साइबर ब्लू और तीसरा है सिल्वर, जो कि बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव कलर्स हैं। बैटरी बैकअप जो कि हर एक मोबाइल में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहना चाहिए, वरना गेम खेलने में बैटरी ही डाउन सबसे ज़्यादा हो जाता है। पर इसमें बैटरी बैकअप जो कि 4400 mAh का बैटरी बैकअप दिया हुआ है और इसमें 55 वाट का प्लस चार्जिंग दिया हुआ है जो 19 मिनट में 50% चार्ज कर देना। इसमें USB Type-C केबल अटैच है जो कि बहुत ही फास्टली चार्ज होने वाला है। वीडियो देखने, गेम खेलने और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सबसे बड़ा डिस्प्ले रहना जरूरी होता है। तो इसमें डिस्प्ले का स्क्रीन साइज जो कि 6.58 inches है, जिसमें यानी कि 16.71 cm डिस्प्ले दिया है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले जो कि बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले। इसमें पानी जैसे एकदम फास्ट काम करने के लिए स्क्रीन रिफ्रेश रेट 120Hz का दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का और अभी तक का सबसे बढ़िया रिफ्रेश रेट है। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात कर ली जाए, प्रोसेसर इसमें जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर दिया हुआ है, जो गेम बिना रुके एकदम खेलते रहिए। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7G 5G 7 nm ऑक्टाकोर का प्रोसेसर दिया हुआ है, जो बिना रुके आप धड़ाधड़ गेम खेलते रहिए बहुत ही इंटरटेन के साथ। स्टोरेज जो कि हाथी जैसे पेट की बात कर ली जाए, इसमें 6GB RAM 128GB ROM के साथ आया है। इसमें 1 TB तक आप microSD कार्ड लगा सकते हैं। IQ Z3 5G की ये बड़ी बड़ी आंखें बात कर ली जाती, इसमें रियर कैमरा जो कि 64 MP, 8 MP और 2 MP का दिया हुआ जो माइक्रो कैमरा है। रियर कैमरा में फोटो क्लिक करने के लिए आपको अलग से इसमें एक ऑटो फोकस सेट किया हुआ है, जो कि आप कैमरा जैसे ही ओपन करेंगे आगे जो भी रहेगा उसको ऑटो फोकस ऑटोमेटिकली कर लेगा और उसको आप फोटो आसानी से खींच सकते हैं। इसमें सेल्फी खिंचवाने के लिए फ्रंट कैमरा जो कि 16 MP का दिया हुआ है, जो सेल्फी खिंचवाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपकी पास वजन ज़्यादा रहने से पैकेट भी भारी हो जाता है, तो इसलिए हर कोई चाहता है कि हल्का वजन रहे ताकि लेने में आसानी हो। तो इसमें वजन 185.5 ग्राम दिया हुआ है, जो कि बहुत ही हल्का है। IQ Z3 इसमें UFS यानी यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, जो कि अभी के मामले में देखा जाए तो UFS 3.1 चल रहा है, पर इसमें UFS 2.2 दिया हुआ है, फिर भी बहुत ही अच्छा है। हर कोई चाहता है कि मेरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हो, तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर ऐसी जगह पे नहीं दिया हुआ जो खोलने में दिक्कत हो। इसमें डिस्प्ले में दिया ना बैक साइड दिया हुआ, बल्कि इसमें पावर बटन में दिया हुआ है, जो कि पावर बटन दाबने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक जैसा टच कीजिए पासवर्ड अनलॉक। इसमें सबसे मजे की बात है कि अगर आप गेम खेल रहे, लगातार गेम खेल रहे, चार्जिंग लगा के ठूस ठूस के आप खेल रहे और मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हीट हो जा रहा है, तो इसमें हीटिंग को दूर करने के लिए 5 लेयर का लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया एकदम हीट को एकदम ठंडा कर देने वाला है कुछ चंद मिनटों में। अगर आपको ये मिर्च मसालेदार वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।